क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे कुछ इस तरह के पीसेस में मैंने काट दिया है, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके हम मैरिनेट करने रखेंगे। यहाँ पे हमने क्रश्ड काली मिर्च भी लेना है, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड काली मिर्च लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। चिकन के कोटिंग के लिए हम लेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच ओट्स और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, चाट मसाला 2 छोटे चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। चिकन अपना 1 घंटे के लिए मैरिनेट हो चुका है, इसे हम अब अंडे में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे जिसे मैंने बीट कर दिया है। अंडे में डालने के बाद हम इसे अपने उस फ्लोर मिक्सचर में कोट करेंगे और 1/2 घंटे के लिए इस तरह से हर चिकन के टुकड़े को कोट करके हम फ्रिज में रखेंगे। चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट करके रखना है। एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल को मीडियम हॉट फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। अब हम इसमें चिकन को डीप फ्राई करेंगे। चिकन अपना अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। केएफसी क्रिस्पी चिकन अपना रेडी हो चुका है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी कैसी बनी।